अरे राजा साहब, छुप क्यों रहे हैं? आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या बात है यार, अगर इस तरह की बात करनी है तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आइए ना, आइए सर, आइए। बात इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? दो गई आपकी भी, देख रहे कोई बात नहीं, आ जाए आ जाए। मैं इधर से पहली दफा आया हूँ इसलिए देख रहा हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है राजा साहब, मैं भी इसलिए हैरान हूँ। एक मिनट जी। हेलो, ओए आहो, गाड़ी तुम इधर पिछली वाली गली में ले आओ ना, और नुक्कर पे ही रहना, मैं तुम्हें बैल देता हूँ, तो जल्दी से गेट के आगे ले आना। अभी ना गेट के आगे आओ, उधर ही रहो गली में। खुदा हाफिज। राजा साहब, क्या बात है, किस बात का खौफ है, क्यों इतने डरे सहमे नजर आ रहे हैं आज? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है फरीद साहब, असल में वो क्या कहते हैं कि दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाई दा, अपनी सोचा विच आपे डूब जाईदा, दिल वाला दुखड़ा। राजा साहब, आप तो बहुत दबंग थे, अचानक क्या हो गया आपको? अब भी दबंगी हूँ, अब मैं क्या तुम्हें टोकरे के नीचे घुसा हुआ नजर आ रहा हूँ? राजा साहब, मुझे तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं, बात ये नहीं है फरीद साहब, बात ये होती है कि बात जो वो मुंह पे करनी चाहिए। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो सारे मेरे साथी और कारकुन जो हैं, मेरे मोहल्ले के, मेरे हलके के, मेरे इलाके के, जो दिन रात जाते आते मुझे कहते थे कि ले दे जाएगा बब्बर शेरा, अब वो सारे मुंह दबा दबा के मेरी तरफ से देखते हुए गुजर के हंस रहे होते। मैंने आला जाके डोर टू डोर कैंपेन भी की है। हालांकि आपने अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से अपना टिकट छोड़ दिया, आपने कहा कि मेरा टिकट मेरे बेटे को दे दिया जाए। वो आपको मैंने बताया तो था कि सारे मेरे यार दोस्त कहते थे कि राजा तेरा मुंडा तेरे से ज्यादा तेज है, सारी फैक्ट्री वही संभालता है, तो वो अपना हल्का नहीं संभाल सकता। वो तो आप आके कह रहे हैं कि फैक्ट्री तो सारी दो तीन कनाल में थी और हल्का जो है वो तो कई मरबों में है। और मैं क्या हूं, छो मरबे हूं, मैनु गाजर का मरबा खुआओ। दिल्ली बैठ गया है, बड़ी सी आस्ती की है अमान से। वैसे फरीद साहब, इस तरह नहीं होना चाहिए, बंदे को मुंह पे बात करनी चाहिए। मुझे पहले बता देते मेरे हल्के के लोग के भाई नहीं, हमने तुम्हें वोट देना, तो मैं कहता ठीक है, मैंने जो जहाँ पे टिकट छोड़ी थी जी, मैं अपने बेटे को भी ना लेके देता। मैं तो चलो परेशान हुआ हूँ, जो हुआ हूँ, बेटा मेरा भी बेचारा उस दिन से अपने कमरे में बैठा रो रहा है। असल में राजा साहब, आपने अपने छोटे छोटे मफादात की वजह से जो सियासी वफादारियां तब्दील की है ना, लोग उस वजह से गुस्से में हैं। आप अपनी वजह से अपने बेटे की सियासत को भी ले डूबे। अरे साहब, आपने कहा था कि आपको आके इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में तसल्ली होगी, आप तो उल्टा मेरे जख्मों के ऊपर नमक मिर्चें छिड़क रहे हैं। और राजा साहब, जख्म पे नमक छिड़कना तो सुना है, नमक मिर्चे पहली दफा सुन रहे हैं। चुप करके बैठो निमकदानी। उनको गौर से सुनो ना जरा, तुम्हें उसमें मिर्चों की भी आजमेशिश नजर आएगी। आमेजिश, आमेजिश राजा साहब, और इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप आए हैं तो इलेक्शन नताइज पर तो बात होगी ना, इसमें बुरे मानने वाली कौन सी बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस दिन से यही बातें हो रही हैं, को और बात भी कर लें, और ये भी बता दें कि नई फिल्म कौन सी आ रही है, और ये भी बता दें आजकल ड्रामा कौन सा अच्छी रेटिंग ले रहा है, और ये भी बता दें आगे बारिशें किस दिन से शुरू होनी है। इलेक्शन 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 इलेक्शन, बस कर दो यार, गोला मारो इलेक्शन। आप सियासी आदमी है ना, सियासत पर ही बात होगी, इलेक्शन पर ही बात होगी। और मैं नहीं सियासी आदमी, मेरी फैक्ट्री है, मैं कारोबारी बंदा हूँ।
जितना मर्जी ये भागे राजा साहब, लेकिन फैसलाबाद में लोग यही कह रहे हैं कि राजा रियाज नून लीग को ले डूबे। यार फैसलाबाद में मैं कल्ला ही आ रहा हूँ। आप शेर वसीर भी आ रहे? और मुझे तो अभी जुमा जुमा छह दिन हुए हैं नून लीग ज्वाइन की है। ये तो वही साहब है कि दुल्हन ब्याह के जाए ससुराल, वलीमे वाले दिन दूल्हे की फूफी फौत हो जाए तो सारा खानदान कहना शुरू हो जाए लड़की मनुस है। फरीद साहब इतने इतने सीनियर नून लीगी उधर हार गए हैं तो मैं किस दुकान की मूली हूँ? और राजा साहब खेत की मूली होता है, दुकान की मूली नहीं होता। हमने तो हमेशा दुकान से ही मूली खरीदी है। मूली आती तो खेत से ही है ना। तो चलो असि जिथो लैके आने तो जिक्र कर लेना। वैसे राजा साहब आप क्या समझते हैं ये हादसा कैसे पेश आया? मुझे क्या पता है, राणा सनाउल्ला से पूछे जिसे नून लीग हकीम साहब कहती थी। जहाँ पे हकीम साहब खुद बीमार हो गए हैं वहाँ पे मेरे जैसे मरीजों के पल्ले क्या रह जाता है। जहाँ पूछे आबद शेर अली से जो स्टेज से बड़ा पब्लिक में डाइया मारता था। पब्लिक सारी सज्जे खबे हो गई और गिरा जाके आठो छाने चेत। राजा साहब इस तरह तो सारो शाने चिते हैं। बड़ा अफसोस हुआ है, ईमान से मैं तो अपने कारकुनों के साथ अब कभी बात नहीं करूंगा। यार पहले तो सो तुहानू को गुस्सा गिलाया थे, बंदा चलो माफी मांग लेंदा है। नहीं राजा साहब तुसी जितोगे, तुसी जितोगे। मुझे तो उसी वक्त शक पड़ गया था जब मेरे चंद कारकुन लकड़ के घोड़े लेके आए थे। अगर राजा साहब जब आप जीतेंगे तो हम इन लकड़ के घोड़ों में घुस के तो डांस करेंगे। फरीद साहब जो घोड़े को ऊपर पेंट हुआ हुआ था ना, वो पीटीआई के झंडे वाला था। और मैंने कहा ये क्या चक्कर है? कहते हैं नहीं हमें इत्तफाकन है, ऐसी कोई बात नहीं, इसके ऊपर तो हमने कपड़ा डाल लेना है। राजा साहब अब तो जितना मर्जी ये कपड़ा डाल लें, पेंट तो नजर आएगा ही आएगा। ओ यार कौन पाई है हमें डराई जा रहा है। ये हमारे एंकर हैं। बंदा प्रोग्राम में बुला के तो इज्जत करता है, हौसला अफजाई करता है, को खाने पीने का पूछता है। जदों दे आया मैनू तो लगता है पिया बाबे तवीज आले को ला गया। तेरी सास ने भी तेनू तवीज पाए ने, तेरा हमसाया भी तेरे तो हसद करता है, तेरा वड्डा साला भी तेरे को दुखी है। इस तरह की सारी नेगेटिव बातें तो बाबा तवीजों वाला ही बता रहा होता है। राजा साहब फिकर ना करो, तुसी भी रटा पा दियो कि मेरे वोट ज्यादा सन, मैनू धांधली ना रहा है। गौरी साहब 50-100 दी गल होवे ते बंदा रटा पा लैंदा, हजारां दा रटा ते नहीं पैंदा ना। 36,000 से जायद वोटों से शिकस्त हुई है राजा साहब की। और चलो छाड़ दियो, हुण बार बार जरूर कहना है, होनी सी जेड़ी गिनती हो गई, हजारां दा रटा ते नहीं पै सकदा ना। मैं दोबारा गिनती कराई थी, उन्होंने 1,000-2,000 और बद जाना। राजा साहब वैसे आप तो डूबे हैं, साथ में वो अपने बेचारे दूसरे उम्मीदवार नवाब शेर वसीर को भी ले डूबे आप। उन्हें भी जिद करके आपने टिकट दिलवाया और वो भी हार गए। बेहतर था तलाल चौधरी को टिकट ले लेने देते आप। क्या बताऊं फरीद साहब मैं आपको, वो तो मुझे बार बार फोन कर रहा है, मैं तो उसका फोन नहीं उठा रहा। चलो इलेक्शन तो हार गए राजा साहब, आगे के क्या प्लान है? अगो गर्मियां आ रही ने, उन शिकंजवी लावांगे। यार हमें फजूल दांत ना निकाले, शिकंजवी दिल को राहत देती है। और मुझे डॉक्टर ने बताया इस वक्त तुम्हारे दिल को राहत की जरूरत है। असल में फरीद साहब फैसलाबाद में ये महीना रे के लिए बहुत वजनी रहा है, सारे बेचारे परेशान है। राहत राजा राणा राबद शेर अली। राजा साहब अब शेर अली। और जितने उस बेचारे के वोट निकले हैं उसकी ऐन का भी रे बन गया हुआ है। हाँ चल आ जा गए टगे, लाइटा बंद रखी गड्डी दिया।
आहो आ रहे हैं यार।